हाय दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ बजरीका के बारे में। बहुत सारे इसको बजीज नाम से भी जानते हैं। ये जो पक्षी है ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी इंडिया में भी बहुत पाए जाते हैं। इन लोगों की जो खाने हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। खाने में ये लोग मिक्स सीड बहुत पसंद करते हैं, थोड़ा ब्लैक सीड ज़्यादा देना चाहिए इन लोग को, सनफ्लावर सीड भी लेते हैं। और सॉफ्ट फूड में इन लोग को मूँग छोले बाकी जो सब है जैसे सोयाबीन रहते हैं ये सब भिगो के देने से अच्छा रहता है। आप लोग बहुत सारे साग भी दे सकते हैं जैसे मकोई और मेथी हो गया, तो ये सब भी आप लोग इनको दे सकते हैं। और इसका जो मेल फीमेल होता है, ज़्यादातर मेल का जो नोज़ रहता है वो ब्लू रंग का रहता है और फीमेल का वाइट रंग का। और ये जो है ये हॉलैंड बदीज है। और इन लोग का ब्रीडिंग के बारे में बात करते हैं, तो इन लोग का जो ब्रीडिंग एज है वो ज़्यादातर 6 से 8 महीने तक हो जाता है। ये लोग कम से कम 6 अंडा देते हैं और बहुत बार बहुत ज़्यादा भी अंडा दे देते हैं, 6 से भी ज़्यादा हो जाते हैं इन लोगों की। और इन लोगों का जो उम्र है लगभग, ये लोग अगर अच्छा खाना मिले, अच्छा अगर वातावरण मिले, तो ये लोग कम से कम 7 से 8 साल जीते हैं। कभी कभी इन लोगों को 9 से 10 साल भी देखा गया है। तो आप लोग इसको पाल सकते हैं, मतलब ये बहुत ही कॉमन एक पक्षी है। बट जिन लोगों की ब्रीडिंग बहुत पसंद है, ब्रीडिंग करना या पक्षी को ब्रीडिंग करवाना, अंडे बच्चे लेना, या अगर पहले आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो बर्ड पालना, तो आप लोग बजीज से पाल सकते हो, क्योंकि बजीज जो है ये सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं ब्रीडिंग में। तो ये जो बजीज है ये अभी मॉल्टिंग कर रहा है, मतलब इसका जो पर है उसको निकाल के नए पर आएगा, तो इसलिए भी ऐसा लग रहा है दिखने में। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि इसका बीमार हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को भी हो तो आप लोग डरिएगा मत। सो गाइस, बज्जी साल भर अंडे देते हैं। इन लोगों का कोई भी परफेक्ट सीजन नहीं होता है अंडे बच्चे निकालने का। आप लोग स्टार्टिंग में बज्जीस पाल सकते हो, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कलर के रहते हैं। अभी ये जो मैं दिखा रही हूँ ये हॉलैंड बज्जीज है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो बज्जीस। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू लाइक इट। थैंक यू।